हेलो गाइस, तो जब भी आप कभी भी काउंसलिंग करते हैं तो कुछ सेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है सो दैट कि जो आपका कम्युनिकेशन हो सके क्लाइंट के साथ और क्लाइंट का काउंसलर के साथ अच्छी तरीके से हो सके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ए क्लाइंट आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ए काउंसलर शुड हैव। तो मेरा नाम है कैफीन शॉट और यहाँ पर मैं आया हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैंने यूजीसी 2020-22 निकाल रखा है, आईटी गेट 2020-23 और 2024 निकाल रखा है। तो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी क्लाइंट की क्वालिटीज के बारे में कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ए क्लाइंट शुड नीड। देखिए, जब भी हम क्लाइंट के बारे में करते हैं तो क्लाइंट हर एक तरीके का हो सकता है जिसको आप काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दे केम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। What does that mean? That it can vary from the different phases कि वो कहाँ से physical condition या financial condition या फिर circumstances, तो different चीजों के थ्रू आप उनका assess कर सकते हैं, right? तो वो different shape and size के थ्रू आते हैं, different उनकी हर एक individual की unique personality होती है और different degree of the attractiveness। यहाँ पर attractiveness से क्या मतलब है कि वो आपके साथ कितने engage हो पा रहे हैं और आप उनके साथ कितने engage हो पा रहे हैं। Okay, counselor interaction is always influenced by the physical characteristic of the client. अब देखिए, what do you mean by the physical characteristic? यानी कि जो क्लाइंट है वो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट ले रहा है। क्या क्लाइंट का, देखिए, एक क्लाइंट का एक काउंसलर के थ्रू ये रहता है कि जो बिटवीन द लाइंस है, जो बोल नहीं पा रहा है क्लाइंट, वो भी काउंसलर क्या कर सके, पढ़ सके। तो दैट इज हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका काउंसलर है, वो आपसे कितनी तरह से बातें को शेयर कर पा रहा है और एज ए काउंसलर क्या आप उसमें एंगेज हो पा रहे हो। दैट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइंट। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलर जनरली लाइक टू वर्क विद द क्लाइंट who are most like of them, अभी आप कह रहे हो कि सर हर एक शेप और हर एक साइज में आना चाहिए, अभी आप कह रहे हो मोस्ट लाइक देम। दैट मीन्स कि अगर आप देखोगे 90% और मेजोरिटी ऑफ द पीपल who are dealing with the females, वो फीमेल काउंसलर को ही प्रेफर करते हैं और मेल काउंसलर को ही प्रेफर करते हैं। आप कह सकते हो जेंडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द अपोजिट जेंडर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आप काउंसलिंग करते हैं उस सेशन में जो आपका क्लाइंट है उसके पास क्या क्या, आपके पास क्लाइंट के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसको याद करने का क्या तरीका है, सोलर एनर्जी। जैसे कि आपको पता है उसमें ए आता है, बट यू हैव टू राइट सोलर, SOLER। तो S स्टैंड फॉर सिट स्क्वायरली। सिट स्क्वायरली मतलब क्या होता है कि स्क्वायरली फेस द स्पीकर टू कंफर्म दैट यू आर पेइंग अटेंशन। जब भी एक क्लाइंट आता है तो वो स्क्वायरली मीन्स की उसके फेस टू फेस या फिर आप कह सकते हैं उसके सामने बैठना चाहिए ताकि जो बात कर रहा है वो उस पर अटेंशन दे सके। बिल्कुल सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट साइड में बैठे हो वो राइट साइड पे बैठा है या आप राइट साइड पे बैठे हो वो लेफ्ट साइड पे बैठा है, ठीक है। एक ओपन पोस्चर होना चाहिए। ओपन पोस्चर व्हाट डज दैट मींस कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने आप में सिमटे हुए हो। ओपन पोस्चर मीन्स कि आप उसके तरफ देख रहे हो, उस पर अटेंशन पे कर रहे हो। आप देख सकते हो कि जैसे कई बार आपके पास आता है एज ए टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि टीचर का ध्यान कहीं और, आप बोलते चल रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। दैट इज अ क्लोज पोस्चर, राइट। वो क्या है, क्लोज पोस्चर है। ओपन पोस्चर मीन्स जब आप बोल रहे हो टीचर सिर्फ आपको देख रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आप समझ रहे हैं। दैट इज एन ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर कन्वे अटेंशन ऑन द इंटरेस्ट। यहाँ हमने लिख भी रखा है कि ओपन पोस्चर क्या कन्वे करता है कि आप क्लाइंट को अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। लीन फॉरवर्ड, जब भी आप कभी भी क्लाइंट की बातें सुने तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली आगे झुक जाना चाहिए। इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि आप उसकी बातों में क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो और उसे क्या दे रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो। तो स्लाइटली लीन स्लाइटली टुवर्ड द इंडिविजुअल टू कन्वे द इंटरेस्ट एंड द अटेंशन। उसके बाद आपका रहता है आई कॉन्टेक्ट। देखिए, कभी भी किसी भी क्लाइंट से बात करते हुए यू शुड ऑलवेज एज ए काउंसलर यू शुड ऑलवेज मेक एन आई कॉन्टेक्ट। लुकिंग एट द पर्सन सजेस्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड कंसर्न। आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और उसके तरफ अपना क्या कर रहे हो, कंसर्न भी शो कर रहे हो कि वेदर यू आर गुड और वेदर यू आर इन अ बैड कंडीशन एंड हाउ वी विल मेक इट गुड। अगर आप बैड हो तो हम उसे और कैसे अच्छे से बनाए। तो आई कॉन्टेक्ट क्या शो करता है कि आप उस पर्सन में इंटरेस्टेड हो और उसके बारे में क्या हो, कंसर्न हो। आप उसकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो, चीजें सोच रहे हो या चीजें कर रहे हो। लास्ट आपका रहता है रिलैक्स। दैट इज कि रिलैक्स रहना और बिल्कुल नेचुरली एक्ट करना। इससे क्या होता है कि इनेबल टू स्पीकर टू रिलैक्स। जब आप नेचुरली एक्ट करते हो, अगर एज ए काउंसलर आप ही बहुत ज्यादा घबरा जाओगे तो जो क्लाइंट रहता है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, पैनिक मोड पे चले जाएगा। कभी भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी, इवन इन द क्रिटिकल सिचुएशन, डॉक्टर कभी भी पेशेंट के सामने ये नहीं कहता है कि सिचुएशन क्रिटिकल है। इट मे पॉसिबल कि वो फैमिली वालों को बताते, बट क्लाइंट के सामने कहता है इट विल बी गुड, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दवाई लगेंगी, इंजेक्शन लगेंगे एंड यू विल बी गुड, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सो दैट इससे क्या होता है कि आपके जो मेंटली जो रहता है वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आई विल बी वेरी गुड। कई बार आपने देखा होगा आप डॉक्टर के यहाँ गए हैं और उसकी दुकान पे जाते ही आप अच्छा फील कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज एक मेंटली ये रहता है कि अब हम डॉक्टर के यहाँ गए हैं, दवाई लेंगे और क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो रिलैक्स एंड एक्ट नेचुरली फील करना है एज ए काउंसलर, ठीक है। उसके बाद और देखते क्या रहता है, देखिए टोटल लाइकिंग इज डिटरमाइंड बाय द वर्बल एंड द वोकल एंड द फेशियल। इन स्टडी अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें कि जो क्लाइंट है वो काउंसलर को कब लाइक करता है, उसके वर्बल एक्सप्रेशन से, वोकल एक्सप्रेशन से और फेशियल एक्सप्रेशन से। फिर भी हाउएवर इन स्टडी ए नॉन वर्बल बिहेवियर वाज शोन टू बी मोर इंपोर्टेंट देन द वोकल एंड द वर्बल। जो आपका नॉन वर्बल बिहेवियर रहता है, यानी कि जब आप बात नहीं कर रहे हो, नॉन वर्बल मीन्स कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन आपके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एज कंपेयर टू द वोकल और वर्बल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन 55% क्या करते हैं, इंगेज करते हैं क्लाइंट को, किसके साथ, काउंसलिंग में, राइट। और वहीं पर अगर आप वोकल हैं तो 38% और वर्बल हैं तो 7%, राइट। तो इसलिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आप फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बना रहे हो तो सामने वाला जो आपका क्लाइंट है उसे लगेगा कि ही और शी इज नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट। तो फेशियल एक्सप्रेशन इज द मेजर की। वेन एवर यू आर डूइंग द काउंसलिंग, राइट, try to make facial expression, try to act like that. The most successful client tend to be YAVIS. अब देखिए जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लाइंट मतलब कि जिनकी काउंसलिंग होके वो पॉजिटिव वे में गए हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो क्या होते हैं, YAVIS। अब YAVIS क्या है, दैट इज Y स्टैंड फॉर यंग, अट्रैक्टिव, वर्बल, इंटेलिजेंस एंड सक्सेसफुल, राइट। यंग यहाँ पर भी लिख रखा है, अट्रैक्टिव, वर्बल, इंटेलिजेंस एंड सक्सेसफुल। YAVIS जो होते हैं वो क्लाइंट बहुत ज्यादा जल्दी हील कर पाते हैं एज कंपेयर टू द हाउंट्स मतलब होमली, ओल्ड, अनइंटेलिजेंट, नॉन वर्बल और डिसएडवांटेज। अगर एक क्लाइंट नॉन वर्बल है, वो बोल ही नहीं रहा है, वो शेयर ही नहीं कर रहा है, तो इतनी जल्दी हील नहीं हो पाएगा, राइट। या फिर आप कह सकते हो हाउंट्स और ये दोनों क्या है, ये दोनों नेगेटिव में है और ये भी क्या है, पॉजिटिव में है। और क्या हो सकता है, डड्स क्या होते हैं, डड की अगर हम उसको ओपन करेंगे दैट इज डम, unintelligent and disadvantage में means that they are lacking और उनके अंदर क्या है, irrational thoughts काफी ज्यादा आ रहे हैं कि that we are not able to cope up with this। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार काउंसलिंग के बारे में भी, काउंसलर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए the personal and the professional qualities are very important in building up the relationship with the client। जब भी आप प्रोफेशनली बात करते हैं एज ए काउंसलर तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर बहुत ज्यादा इनिशियल फेज में ट्रस्ट बिल्डअप होने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। अगर वो जो गैप है इन बिटवीन काउंसलर एंड द क्लाइंट अगर वो कम हो जाता है, अगर ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है तो क्लाइंट अपनी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो काउंसलर के साथ बहुत जल्दी और आसानी से उसको शेयर कर लेता है और काउंसलर भी उसकी तरीके से उसको क्लाइंट की तरफ से सोच पाता है, राइट। अब देखिए क्या क्या काउंसलर की क्वालिटीज बताइए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग 1968 में आइडेंटिफाई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं एज ए इन्फ्लुएंसर काउंसलर की। क्या क्या कि जो आपका काउंसलर है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्सपर्ट होना चाहिए। अब एक्सपर्ट इन द सेंस कि एक्सपर्ट इज द डिग्री टू विच ए काउंसलर इज परसीव एज नॉलेज एंड इन्फॉर्म अबाउट हिज और हर स्पेशलिटी। कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो है एंजाइटी में और आप ट्रीट कर रहे हैं डिप्रेशन को। आपने बहुत बार देखा होगा कि काउंसलर तो बाहर कोई लिख लेता है कि वी आर साइकोलॉजिस्ट, वी आर डूइंग द काउंसलिंग सेशन, बट आप किस में एक्सपर्ट हो, आपने किस में मेजर है, राइट। अगर आप काउंसलिंग में हैं, काउंसलिंग में भी बहुत सारे सब पार्ट आते हैं। आपने सीबीटी में मेजर कर रखी है, आपने एंजाइटी में कर रखी है, आपने डिप्रेशन में कर रखी है, राइट। तो एक्सपर्टनेस इन द डिग्री में क्या बताता है कि आप उसके पास, इंडिविजुअल के पास, काउंसलर के पास क्या है, नॉलेज है, प्लस वो आपकी चीजों को उस पर्टिकुलर वे में समझ सकता है। अब देखिए एक होते हैं रैंडम डॉक्टर जो जर्नल होते हैं और एक होते हैं स्पेशलिस्ट। So that is expert means specialist. Next one is attractive. Attractiveness is a function of the perceived similarity between a client and the counselor. Counselor can make themselves attractive by speaking in a clear way by using simple sentences and offering an appropriate disclosure. अब देखिए attractiveness का function यहाँ पर इससे नहीं है कि आप कितने ज्यादा smart लग रहे हैं. Attractiveness मतलब कि आप अपने client के तरफ कितनी सही तरीके से सोच रहे हैं, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कितनी क्लियर वर्ड्स में कर पा रहे हैं, कितने सिंपल वर्ड्स आप बोल के उन्हें समझा पा रहे हैं. राइट, यूजिंग द सिंपल वे एंड द सिंपल सेंटेंसेस to tell them exactly what they need. Next is trustworthy. What do you mean by the trustworthy? अब देखिए क्लाइंट जब भी इनिशियल स्टेज पर काउंसलर के पास जाता है तो हर क्लाइंट का ये रहता है कि मैं अपने काउंसलर पे कैसे विश्वास करूं. तो दिस क्वालिटी रेफर टू द केयर कि काउंसलर है अपने क्लाइंट की कितनी केयर करता है, कितना कंसर्न है, कितना सिंसियर है और कितना ऑनेस्ट है अपने क्लाइंट से. क्लाइंट कई बार आपको जज भी करता है, वो आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल चीजें शेयर भी करता है. अगर वो देखता है कि वो चीजें आपने फर्दर किसी को शेयर कर दी है, इवन क्लाइंट के पेरेंट्स से भी, तो भी वो आपके पास ट्रस्ट नहीं करेगा. और वंस अगर ट्रस्ट ब्रेकडाउन हो गया तो फिर काउंसलिंग का वहां पर कुछ भी फिर इनिशिएट का कोई मतलब ही नहीं है. अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और नाउ यू आर थिंकिंग कि अब सिचुएशन बिल्कुल डाई सिचुएशन में पहुंच गई है, आइदर लिव और डाई, तो यू मे थिंक ऑफ द शेयरिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट. अदरवाइज एज ए काउंसलर वन शुड नेवर शेयर द इंफॉर्मेशन और द सीक्रेट दैट ए क्लाइंट टोल्ड देम. ओके, तो जो भी क्लाइंट ने बनाया है बताया है आपको एज ए काउंसलर आपको कभी शेयर नहीं. तो ये तीन चीजें यहाँ पर बताई हैं, कौन कौन सी? एक्सपर्ट, अट्रैक्टिवनेस, ट्रस्टवर्थी. उसके बाद ओकुन, जो कि यहाँ पर ये 1968 में दी गई थी, राइट, स्ट्रॉन्ग के द्वारा. ये ओकुन ने द्वारा इनको 1992 में 5 इंपॉर्टेंट थिंग और बताई: सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी, कॉन्ग्रुएंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट और नॉलेज. अब देखिए नॉलेज आपका वही आ गया सेम एक्सपर्ट कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी नॉलेज है, क्या आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इन सिंपल वे, राइट, सिंपल सेंटेंस के थ्रू क्या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एज ए काउंसलर, क्या आप कॉन्ग्रुएंस दैट मीन्स कि आप ऑथेंटिसिटी दिखा पा रहे हैं कि जो आप फील कर रहे हैं वही आप बता रहे हैं, एक्ट नेचुरली. ऑनेस्टी, बिल्कुल आप उसको क्या बता रहे हैं, रियल सेंस में बता रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग कि बिकॉज ऑफ द सम एम्पैथी और समथिंग लाइक दैट, राइट, कि आप उसको कुछ गलत बता रहे हैं कि उसकी क्या मिल सके, सिंपैथी बन सके और उससे हम क्या ले सकें एज ए काउंसलर कि हम उससे पैसा ले सकें. सेल्फ अवेयरनेस दैट मीन यू शुड नो ऑल द थिंग्स कि आपको अपने बारे में भी रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए एज ए काउंसलर कि हम क्या ये काउंसलिंग सेशन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वी आर एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और इन दिस स्पेसिफिक फील्ड और नॉट. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी. दिस इज कैफीन शॉट. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.